Hello everyone, today in this class we are going to talk about the theorem portion of the exercise 7.2, or we consider this is the introduction video of the exercise 7.2, in which we will try to solve the theorems which is related with the isosceles triangle. So first of all, I want to explain what is the statement of the first theorem which is related to exercise 7.2 for the class 9th standard from NCERT syllabus. So the given theorem is, this is the theorem number 7.2. Opposite angle of angles of equal sides of an isosceles triangle are equal. The given statement is opposite angles of equal sides of an isosceles triangle are equal. Means हमें क्या प्रूव करना है, isosceles triangle में जो equal side होते हैं उनके जो opposite angle होते हैं वो क्या होते हैं, equal होते हैं. So how will we prove it? First of all, I want to explain the definition of an isosceles triangle, which is a triangle in which two sides are equal. क्लियर बात यहाँ तक. ट्राइंगल के थ्री जो टू टाइप से वो ट्राइंगल डिस्क्राइब किया होता है, बेस्ड ऑन द साइड एंड बेस्ड ऑन एंगल. सो बेस्ड ऑन साइड में थ्री टाइप्स होते हैं ट्राइंगल के, विच आर स्केलेन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें कितनी साइड इक्वल होती है, टू साइड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, आई एम ड्रॉइंग a structure which is an isosceles triangle in which two sides are equal. ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. Clear बात यहाँ तक. अब देखो बात करते हैं next. First of all mention here given that which thing is given. In triangle, in isosceles triangle, ABC. AB is equals to AC. Isosceles ये साफ दे रखा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे. इट मीन्स टू आइसोसेलेस ट्राइंगल होंगे तो उसके मिनिमम और मैक्सिमम टू साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. क्लियर है बात यहाँ तक. नेक्स्ट स्टेप टू, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी. अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर वी हैव टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी. गॉट इट. सेकेंड, अब इस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन. ड्रो अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन साइड बी सी. ये पॉइंट डी ले लेता हूं मैं. क्या ड्रॉ किया है, ड्रो ए परपेंडिकुलर ए डी फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन साइड बी सी. ड्रो ए परपेंडिकुलर, draw a perpendicular AD from vertex A to side BC. Clear है बात यहां तक. हमने क्या construction किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए, वर्टेक्स ए से बी सी पे जो डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. आर यू एग्री विद इट? नाउ अब डिस्कस करते हैं प्रूफ. हियर वी हैव टू ट्राइंगल्स, फर्स्ट इज ट्राइंगल ए बी डी एंड सेकेंड इज ट्राइंगल ए सी डी. यूजिंग फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी. क्लियर. इन बोथ ऑफ द ट्राइंगल वी विल ट्राई टू कंपेयर दिस बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स, हाउ मेनी थिंग्स और हाउ मेनी साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी एंड ए सी बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. ए बी ऑफ दिस ट्राइंगल, ए सी ऑफ दिस ट्राइंगल, ए बी इज इक्वल टू ए सी. दिस इज गिवन थिंग. You have to write the reason also in front of the equate statement. After it,
लुक AD इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स चेक इन द स्ट्रक्चर AD इज इक्वल्स टू AD विच इज कॉमन और कॉमन साइड क्लियर Now, last one, it is the perpendicular, then these both angles are equal to 90 degree. So, angle ADC is equal, ADB, ADB is equal to angle ADC, which is equal to 90 degree. Clear? अब देखो, यहां पे अपन, हमारे three parts जो है, both the triangles के, वो सिमिलर इक्वल हो गए हैं दोनों के. अब हमें यहाँ पे एक क्राइटेरिया काम में लेंगे जो कि कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया 190 डिग्री एंड दिस इज द हाइपोटेनियस क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है. फॉर दिस ट्रायंगल एडीबी एबी इज हाइपोटेनियस एंड एडी इज एनी साइड ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज द इक्वल राइट एंगल ऑफ द ट्रायंगल एडीबी. So right angle, hypotenuse and side criteria or we can say that RHS criteria of congruency using RHS criteria. We can say that triangle ABD, एक triangle को जो आपका मन करे वो select करें. You are free hand for the first triangle. And now for the second triangle, mention the congruent part of the second triangle. अब देखो AB equal है AC के, तो definitely AC आएगा. आएगा किस format में वो हमें समझना है. AC आएगा तो AC के लिए अपन यू बोल सकते हैं. देखो CA आएगा या फिर AC आएगा वो हमें confirm करना है क्योंकि CA भी AB के equal है. AB बोल दो equal to या फिर BA बोल दो, दोनों ही की बात तो रहेंगी. तो मैं यहाँ पे एक बार अलग से कर लेता हूँ. AC भी आ सकता है या फिर CA भी आ सकता है. ठीक है, अब बात ये आती है कि हमें और बाद में लास्ट में क्या आएगा, सेकंड थिंग क्या थी, AD. तो इसमें AD आपका एक्सटीरियर पॉइंट हो गए हैं दोनों ही. तो AD किसके इक्वल, AD के, तो डेफिनेटली AD ये बनेगा क्योंकि ये यहां पे आएगा तो AD लास्ट में रह गया. यहां पर BD इज नॉट इक्वल्स टू AD तो ये तो पॉसिबल नहीं है. तो फिर बचा क्या, ट्रायंगल ACD. क्लियर. अब नाउ CPCT बाय CPCT वी कैन से दैट क्या क्या इक्वल, हमें एंगल B इक्वल टू एंगल C चाहिए था. तो देखो एंगल B इक्वल टू एंगल C, दोनों कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए. सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C जो कि हमें प्रूव करना था. हेंस प्रूव्ड. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थ्योरम. द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज इक्वल सॉरी अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्राइंगल. क्या स्टेटमेंट था, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल टू ईच अदर. तो पहले तो अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, जो भी स्ट्रक्चर में हमें अवेलेबिलिटी थी वो गिवन में अपन ने मेंशन कर दिया. एंड देन जो हमें प्रूव करना था, एंगल इक्वल हमें प्रूव करने हैं जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया. फिर बाद में कंस्ट्रक्शन, मैंने वर्टेक्स से डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको ए डी से मैं लेबल किया है. And then I selected both the triangle one by one and from this with the comparison I suggested the which type or how many sides or how many angles are equal to each other. Here we got two sides and one angle which are equal to each other in which angle is 90 degree and one side from the both of the side one side is the hypotenuse and other is any side. And then I use here the RHS right angle hypotenuse side criteria. And then both the triangles are congruent by CPCT, angle B is equal to angle C. So this is the proof of the theorem 7.2. I hope so you understood the whole process of those this theorem. So please pause the video and note it down. Now I am starting the next theorem, which is 7.3. It is the converse or vice versa of theorem number 7.2. Or we can say that in the last theorem we have to prove that both the angles are equal. Now we are going to prove that the sides are equal. So before to prove it, I also introduce you about the statement of the theorem number 7.3. the statement is opposite angles of
सॉरी अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल. स्टेटमेंट क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल. मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो भी आपके इक्वल एंगल होंगे, यानी टू एंगल्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो देयरफॉर द अपोजिट साइड्स ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द स्ट्रक्चर. ABC is an triangle in which angle B and angle C are equal. Clear? वैसे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखना कंपलसरी नहीं था, क्योंकि साइड आइसोसेलेस ट्राइंगल डिफाइन करने से पहले हमें प्रूव हो जाता है कि ये दोनों साइड इक्वल होंगी, कोई भी दो साइड इक्वल होंगी, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों साइड इक्वल होंगी क्यों. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट in triangle ABC angle B is equals to angle C, this thing is given. Clear? To prove, what we have to prove, हमें prove करना है ये दोनों angle equal होंगे तो then AB or AC will also equal, AB and AC are equal to each other. Construction. Draw a perpendicular AD, let's suppose this is the point D, from vertex A to side BC. This is our construction. क्या क्या अपन ने वर्टेक्स ए से बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. क्लियर है बात यहां तक? नाउ प्रूफ. फॉर्म ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी. चेक फॉर्म ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी. AB is equals, angle B is equals to angle C. Angle B is equals to angle C. It is given. AD is equals to AD, which is common. And angle ADB is equals to angle ADC is equals to 90 degree. All these things I am repeating again. Look here, angle B is equals to angle C. It is given already. In the statement, opposite sides of equal angles in an isosceles triangle are equal. Next thing, angle D is equals to, these both angles are equal, angle ADB is equals to angle ADC, because we mentioned here a perpendicular drawn AD, that it means both angles are equals to 90 degree. And the last and final thing, AD exists in both of the triangles, so it will be the common side for both the triangle, and common things always equal for all the structures of the triangles. Clear hai baat yahan tak? So AD is equals to apna AD hua, which is common. So angle and then side. So AAS criteria. Triangle ABD is congruent to triangle ACD. Therefore, triangle ABD is congruent to triangle ACD. It means the corresponding BCPCT. BCPCT. क्या कह सकते हैं अपन? Using the CPCT. देखो हमें AB and AC को इक्वल प्रूव करना था, तो AB is equals to AC. Hence proved. ये हमें प्रूव करना था. अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.2, but this will be start in the next video. I hope so you understood. Again pause this and note it down.